नमस्कार, आप सब सावन माह में शिव जी की पूजा आराधना तो करते ही होंगे और कुछ लोग तो सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। पर क्या आपको पता है कि सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा आराधना क्यों की जाती है और आखिर क्यों सावन माह शिव जी को इतना प्रिय है? तो चलिए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर में सावन माह विशेष महत्व रखता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला था। इस विष को पीने के लिए शिव भगवान आगे आए और उन्होंने विषपान कर लिया। जिस माह में शिवजी ने विष पिया था वह था सावन। विष पीने के बाद शिवजी के तन में ताप बढ़ गया। सभी देवी देवताओं और शिव के भक्तों ने उनको शीतलता प्रदान की, लेकिन शिवजी भगवान को शीतलता नहीं मिली। शीतलता पाने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, इससे उन्हें शीतलता मिल गई। ऐसी मान्यता भी है कि शिवजी के विषपान से उत्पन्न ताप को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघराज इंद्र ने भी बहुत वर्षा की थी, इससे भगवान शिव को बहुत शांति मिली। इसी घटना के बाद सावन का महीना शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। पूरे सावन माह विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद पूरे वर्ष में यह ऐसा दूसरा अवसर होता है जब भगवान शिव की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है और जगह जगह इसका उल्लास पूरे माह देखने को मिलता है। सोमवार शिव का प्रिय होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कई लोग इस माह में 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं और उसमें मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं और इसमें चढ़ाए जाने वाले जल को पीपल के वृक्ष की जड़ों में डालकर आपको पितृदोष से मुक्ति में सहायता भी मिल सकती है। कई कृषक इस जल को अपने खेतों में भी छिड़काव करते हैं। सावन के माह की महिमा इतनी बड़ी है कि इस सावन माह में अगर आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उनको एक बेलपत्र भी चढ़ा दें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यही था सावन माह का महत्व। राधे राधे।